सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है राशि आपकी। आइए आज फिर से शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का और आपको बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। सबसे पहले मेष राशि। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है। व्यापार में हालात सामान्य रहेंगे। कला जगत के क्षेत्र में प्रयासरत जातकों के लिए ये समय अच्छी खुशखबरी लाएगा। स्त्रियों का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए सामान्य दिन है। सप्ताह के अंत में आर्थिक पक्ष सुधर होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। प्रेम संबंधों को लेकर जातक धैर्य से काम ले। वृषभ राशि। इस राशि वालों के लिए ये सप्ताह ठीक रहेगा। इस समय आप किसी बड़े वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। संतान पक्ष आपको व्यथित कर सकता है। घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान से परिवार का माहौल खुशनुमा बनेगा। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति धीरे धीरे होगी। आमदनी के लिहाज से आज का समय आपके लिए ठीक है। व्यवसाय के लिए दिन सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को दौड़ भाग करनी पड़ेगी। प्रणय संबंधों के लिए यह सप्ताह उत्तम है। मिथुन राशि। इस राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों में आपका मन लगेगा। यह सप्ताह आपके लिए कार्य के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा संघर्ष का रहेगा। पिता का सहयोग आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। राजनीति करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह एक नई दिशा लेकर आया है। आमदनी अच्छी होने के आसार हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है। व्यवसाय के लिए अच्छा समय है। उधार देने से बचें। वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध बना रहेगा। प्रणय संबंधों में अस्थिरता का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। कर्क राशि। आपके लिए यह सप्ताह सामान्य नहीं रहने वाला है। परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताड़ करने की आपकी आदत आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। जिसे आप चाहते हैं उसके साथ आपका तल्ख रवैया आपके रिश्ते में दूरी बढ़ा सकता है। ये सप्ताह आपके लिए धनवान का समय रहने वाला है। व्यवसाय करने वाले या नए व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए अच्छा समय नहीं है। नौकरी करने वालों के लिए नौकरी बदलने का अच्छा समय है। जीवन साथी से तनाव की स्थिति बनी रहेगी। जिससे आप प्यार करते हैं उनसे सारी गलतफहमी दूर हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। राजनीतिक लोगों के लिए उठने बैठने का अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। परिवार में शुभ समाचार मिलने से खुशी का माहौल रहेगा। निर्धन व्यक्तियों के प्रति दया का भाव उत्पन्न होगा। ये सप्ताह आपके आमदनी के लिहाज से ठीक ठाक रहेगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा नहीं रहने वाला है। नौकरी करने वाले लोग सहयोगियों से ना उलझें तो आपकी हानि नहीं होगी। वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मध्यम रहने वाला है। अटके कामों के बावजूद प्रणय संबंध और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। अचानक मिला कोई अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ा देगी। परिवार के लोगों के साथ इसे बांटना आपको उल्लास से भर देगा। अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर जाते समय जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिए। ये सप्ताह आमदनी के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। व्यापार में उठापटक का माहौल रहने वाला है। नौकरी का प्रयास करने वाली सफलता प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। ससुराल पक्ष में उत्सव का माहौल बनेगा। सरकारी या गैर सरकारी पदों पर काम करने वाले लोगों के लिए ये समय तरक्की के अवसर उपलब्ध कराएगा। आपके घर से जुड़ा निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाहरी गतिविधियां आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। इस सप्ताह आमदनी अच्छी रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए अपने सहयोगियों से संबंध
मधुर रखने होंगे। इस समय आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में निरंतरता का अभाव बना रहेगा, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। वृश्चिक राशि। इस राशि वालों के लिए सप्ताह सामान्य नहीं रहने वाला है। भावी माताओं को सेहत को लेकर थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचें। गुप्त शत्रु आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। तनाव के कारण आर्थिक पक्ष कमजोर हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की में बाधा उत्पन्न होगी। व्यवसाय में जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वैवाहिक जीवन में नोकझोंक हो सकती है। प्रणय संबंधों में संवाद बनाए रखें। धनु राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। ऑफिस के कार्यों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इससे आपको संतुष्टि का अनुभव होगा। धैर्य से काम लें और बच्चों को थोड़ी आजादी दें। रुके हुए कार्यों से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अध्यापन का कार्य करने वाले लोगों का लाभ मिलेगा। थोक व्यापार में कोई बड़ा लेन देन ना करें। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। प्रणय संबंधों में बिना सोचे कोई वादा ना करें। मकर राशि। इस राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत मध्यम कहा जा सकता है। आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है जो ऊंची जगहों पर हो। आप अपने किसी परिजन के कारण परेशान भी हो सकते हैं। किसी महिला या आपकी जीवन साथी का सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सप्ताह के अंत में हालात अच्छे बनेंगे। नौकरी करने वाले थोड़ी भागदौड़ ज्यादा करेंगे। व्यवसाय में धीरे धीरे प्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। प्रेमी एक दूसरे की पारिवारिक भावनाओं को समझेंगे। कुंभ राशि। इस राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ सामान्य माना जा सकता है। बैंक से जुड़े लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। धर्म कर्म की ओर ध्यान आकृष्ट होगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा। पढ़ाई में आपको लाभ होगा। जातक अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करेंगे। आर्थिक मामलों में लटके काम बनेंगे। करियर व नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा मुश्किल वाला समय है। व्यवसाय करने वालों के लिए समय सामान्य है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से तनातनी का माहौल बना रहेगा। प्रेम करने वालों के लिए ये समय उत्तम रहेगा। मीन राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य नहीं कहा जाएगा। कोई ऐसा जिस पर आप यकीन करते हैं आपको पूरा सच नहीं बताएगा। उधार दिए गए धन की प्राप्ति न होने पर आपका मन अशांत रहेगा। अनावश्यक कार्यों में अपना समय बर्बाद ना करें। किसी मामले में दखलंदाजी ना करें। मन और आत्मा में अद्वैत की स्थिति बनी रहेगी। आमदनी अच्छी नहीं होगी और व्यय भी अधिक होने से धन नहीं बचेगा। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय कठिनाइयों भरा रहेगा। नौकरी करने वाले लोग अपने बॉस से परेशान रहेंगे। वैवाहिक जीवन में असंतोष का माहौल रहेगा। अपने प्रिय की नाराजगी के बावजूद अपना प्यार जाहिर करते रहेंगे। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।